अब सुनिए कि मेरे भोले की बारात जा रही है और बारात कहाँ जा रही है। अगर किसी को पता है तो मुझे बताओ कि भोले की बारात कहाँ गई थी। कोई जानता है और नहीं जानता है तो सुनिए, मैं बता रहा हूँ। हिमाचल नगरिया चल लेने दुल्हनिया, ताली बड़ी बड़ी रहनी चाहिए। हिमाचल नगरिया चल लेने दुल्हनिया, और सबने 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 देवताओं ने हो सबने मिल करके शिव को सजाया। हिमाचल नगरिया चले लेने दुल्हनिया और सबने देवताओं ने मिल करके शिव को सजाया और भोले बाबा को दूल्हा बनाया। भोले बाबा को दूल्हा बनाया, भोले बाबा को दूल्हा बनाया, भोले बाबा को दूल्हा बनाया। नगरिया चले और आजकल जब कोई दूल्हा तैयार होता है, दूल्हा सजता है, तो सबसे पहले ब्यूटी पार्लर जाता है। दूल्हा सजता है तो ब्यूटी पार्लर जाता है। और मेरे भोले बाबा सजे तो कैसे? शिव की जटाओं से पगड़ी बनाया, शिव की जटाओं से पगड़ी बनाया, सर्प के फन का मौर लगाया, कानों में बिच्छू का पाला और गले में सर्पों की माला। भोले सज रहे हैं, भोले को सजाया देवताओं ने कैसे? शिव की जटाओं से पगड़ी बनाया, सर्प के फन का मोर लगाया, कानों में बिच्छू का बाला और गले में सर्पों की माला। हर माथे पे चंदा तो शीश पे गंगा, माथे पे चंदा तो शीश पे गंगा, और माथे पे चंदा सजा लिया, शीश पे गंगा जी को। और उस जमाने में पाउडर नहीं चलता था, तो मेरे भोले बाबा ने अरे तन पे बबूती लगाया, भोले बाबा को दूल्हा बनाया, भोले बाबा को दूल्हा बनाया। हिमाचल जब भोले बाबा सज गए, भोलेनाथ जब दूल्हा बन गए, तो जब दूल्हा तैयार हो जाता है तो उसकी बारात भी जाती है। अब देखिए मेरे भोले बाबा किस पे जा रहे हैं, कैसे? हर नंदी पे चढ़ के चल दिए आगे, हो नंदी पे चल दिए आगे, भूत चुड़ैले पीछे पीछे भागे, अरे भूत चुड़ैले पीछे पीछे भागे, देव ऋषि सब गाते बजाते,
देव ऋषि सब गाते बजाते, नारद जी वीणा टनकाते, नारद जी वीणा टनकाते। देखो नारद जी बारात में जा रहे हैं और वीणा बजाते हैं, कैसे हो ढिंगड़ा रे डड़ा 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 ढिंगड़ा रे डड़ा। देव ऋषि सब गाते बजाते, नारद जी वीणा टनकाते, और भोले ने डम डम जब डमरू बजाया, अर भोले ने डम डम जब डमरू बजाया, भोले ने डम डम जब। अरे भाई इनके लिए ताली हो जाए, डमरू बज रहा भोले बाबा। भोले ने डब डब जब डमरू बजाया, भोले ने डब डब जब डमरू बजाया, भोले बाबा ने अपनी शादी में खुद बाजा बजाया। ऐसे दूल्हा बने कि अपनी शादी में खुद बाजा बजाए। कि भोले ने डम डम जब डमरू बजाया, तो एक बाराती था सनीचर, तो सनीचर ने ठुमका लगाया, भोले बाबा को दूल्हा बनाया, भोले बाबा को दूल्हा बनाया, भोले बाबा को दूल्हा बनाया, भोले बाबा को दूल्हा बनाया। हिमाचल नगरिया चले लेने दुल्हनिया, और जब भोले बाबा बैठ के जाते हैं नादिया पे और बारात पहुंच जाती है जन्माष्टमी, जैसे आप लोग बैठे हो ना ऐसे बाराती बैठ गए जाते हैं, और फिर क्या होता है सुनिए। लाइन में बैठ के भूत चुड़ैल जितने भी बाराती गए थे सब खा रहे, और पहली बार भूतों ने जब मिठाई देखी तो देखिए भूतों ने मिठाई का क्या हाल कर दिया। किसी को जलेबी अच्छी लग रही है और किसी को सोहन पापड़ी अच्छी लग रही है, तो देखिए क्या होता है। एक चुड़ैल बैठी है लाइन में, जलेबी बहुत अच्छी है, अब उसको लेके देख रही है ऐसे ऐसे कर। बगल वाली चुड़ैल पूछती बहन का देख रही है, तो वो कहने लगी मुझे तो शक्कर कहां से ढूंसी गई। तो ये होता है भूत और चुड़ैल के खाने का तरीका। अब देखिए, कोई जलेबी काट रहा है, हाँ कोई जलेबी काट रहा है, और कोई रबड़ी चाट रहा है, कोई जलेबी काट रहा है, और कोई रबड़ी चाट रहा है। देखो कैसे खाते हैं, जिसको जलेबी अच्छी लग रही है वो जलेबी खा रहा है, और जिसको रबड़ी अच्छी लग रही है वो रबड़ी चाट रहा है, कैसे। हाँ कोई जलेबी काट रहा है, और कोई रबड़ी चाट रहा है, आ गए देखो ललुआ कलुआ। ये दोनों बराती हैं ललुआ कलुआ। हाँ जी जी, ऐसे ही आ गया आप कितने बैठे थे, इनमें से है कोई। आ गए देखो ललुआ कलुआ, अगर कोई कलुआ हो तो माफ कर देना भैया। आ गए देखो ललुआ कलुआ, दोनों खा गए पूरा हलुआ। हाँ आ गए देखो ललुआ कलुआ, दोनों खा गए पूरा हलुआ। और खाते खाते क्या हुआ, एक खड़ा हो गया, एक तो गुस्से में चीख पड़ा, खाते खाते खड़ा हो गया, एक तो गुस्से में चीख पड़ा, ऐसे ऐसे चिल्लाया, ऐसे ऐसे, और बोला एक तो गुस्से में चीख पड़ा, और बोला
मेरा रसगुल्ला किसने चुराया। अरे भोले बाबा को दूल्हा बनाया, भोले बाबा को दूल्हा बनाया, हिमाचल नगरिया चले मेरे दुल्हनिया। ओ सबने सबने मिल करके शिव को सजाया, भोले बाबा को दूल्हा बनाया, 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 भोले बाबा को दूल्हा बनाया। बोले शंकर भगवान की सच्चे दरबार की तो मैं छाई लानी है और मैं सच कहता हूं कि उसकी तकदीर बदलनी। अब कह दो सच्चे दरबार दुर्गा मैया की। आइए बाबा बजरंगबली के चरणों में एक प्यारा सा भजन है हमारे पालीवाल जी, ये भजन जरूर सुनते हैं। और इस भजन की विशेषता है बहन जी, ये बात करने वाली बहन जी, बहन जी मैं आपके पैर छू रहा हूं। मैंने कहा ना कि हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे और कल आपकी निगाहें इसको ढूंढेंगी नहीं, ये जाने ये कहां होंगी, न जाने हम कहां होंगे। फिर बार 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 बोलिए वीर बजरंगबली की, सब बोलेंगे बालाजी महाराज की सच्चे दरबार की। आइए बाबा बजरंगबली के चरणों में। हाँ जी ज्योति से। एक बार भगवान श्री राम को काम पड़ गया। कहते हैं कि भगवान भक्तों के काम बनाते हैं, मगर एक बार भगवान को काम पड़ गया अपने भक्त हनुमान। ये भजन मैं सुनने वालों के लिए गा रहा हूं, सुनिएगा। भगवान को काम पड़ गया, भगवान श्री राम बोले हनुमान जी अब आप लंका जाओ और सीता जी का पता लगा कर। सोचिए जरा कि भगवान भक्त से कह रहे हैं कैसे। और दो लाइनें मैं देना चाहता हूं, जो सुनने वाले बैठे हैं मेरी दो लाइनें सुनिएगा। कहते हैं कि अगर दिल नहीं होता तो अरमान नहीं होते। क्या कहा मैंने? अगर दिल नहीं होता तो अरमान नहीं होते, और अगर गुरु नहीं होता तो शिष्य गुणवान, और दुनिया की समस्याओं के समाधान नहीं होते, और अगर भक्त नहीं होते तो भगवान। अब बोलो सच्चे दरबार। सुनिए बजरंग बली से भगवान श्री राम ने कहा कि जाओ हनुमान लंका जा करके सीता का पता लगाओ। तो देखिए कैसे हनुमान जी जाते हैं, सुनिए सुनिए। हनुमान जी लंका गए, रावण ने उन्हें पकड़ लिया। रावण कहने लगा तू कौन है, हे वानर तू कौन है। तो देखिए हनुमान जी कैसे बताते हैं रावण। और इस भजन की विशेषता है कि जो सुनेगा वो अपने आप बोल देगा। मैं रुक जाऊंगा तो छोटा सा बच्चा भी बोल देगा, लेकिन सुनिए कैसे। हनुमान जी रावण से बोले, हनुमान जी रावण से बोले क्या, अरे मैं हूं मांजनी का लाला। हनुमान जी रावण से बोले कि मैं हूं मांजनी का लाला और मुझे पवन देव ने निकला ना सर, अपने आप निकला कि नहीं निकला। पहली बार सुना बेटा बजा भैया, पहली बार सुना। लेकिन विशेषता है कि जो माँ के चरणों में ध्यान लगाता है वो अपने आप बोल देते ऐसी होती है। नहीं तो हमें क्या पता कि भक्तों को सुना रहे कि भैंस के आगे वीर बजा रहे। हाँ जी अब देखिए, जब रावण ने पूछा कि वानर तू कौन है, तो हनुमान जी बोले अरे मैं हूं मांजनी का लाला और मुझे पवन देव ने पाला, अब तू मुझको ले पहचान। हे रावण अब तू मुझको ले पहचान, हो मेरा नाम है हनु और मैं श्री राम कहूं मतवा। जय श्री राम। बोलिए जय जय सिया राम। हाँ जी अब चलेंगे मेरा ताल के साथ में। अरे मैं हूँ मांजनी का लाला, मुझे पवन देव ने पाला, मैं हूँ मांजनी
जिनी का लाला, मुझे पवन देव ने पाला। अब तू मुझको ले पहचान, ओ मेरा नाम है हनुमान। और मैं श्री राम कहूँ मतवाला, तो मैं श्री राम कहूँ मतवाला। बोलो वीर हनुमान की, जोर से बोलो सच्चे दरबार की। अब बाबा बजरंगबली के लिए दो लाइनें कहूंगा कि बल में बलवान ना होते और धर गदा महान ना होते और विजयी श्री राते अगर हनुमान। ताली होनी चाहिए भैया, अगर कोई बात समझ में आ जाए तो ताली बजा दिया। मैंने कहा कि बल में बलवान ना होते और धर गदा महान ना होते और विजयी श्री राम ना होते अगर हनुमान। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक लाइन कहूंगा कि जो जहाजों को डुबा दे, बड़े बड़े जहाज जो डूब जाते हैं समुद्र में, तो जो जहाजों को डुबा दे उसे तूफान कहते हैं और जो तूफानों से टकराता है उसे इंसान कहते हैं और जो इंसानों से टकराता है उसे शैतान और जो शैतानों से टकराता है उसे हनुमान। क्या बात है बालाजी महाराज। अब देखिए जब रावण ने पूछा तू कौन है, हनुमान जी ने बता दिया कि मैं अंजनी का लाला और प्रभु श्री राम का मतवाला हूं। तो देखिए हनुमान जी ने कैसे बताया रावण कि रावण की गलती क्या है। सुनिए रावण, अरे तूने सिया चुराई, रावण से हनुमान जी बोले कि तूने सिया चुराई, तुझे लाज शरम नहीं आई। हनुमान जी बोले रावण से कि रावण तूने सिया चुराई, ध्यान से सुने, तुझे लाज शरम नहीं आई। हाँ हनुमान जी बोले जैसे नकटी बहन है और ऐसी बहन का तू है। हनुमान जी ने कहा कि तूने सिया चुराई, तुझे लाज शरम नहीं आई। जैसे नकटी बहन है ऐसी बहन का तू है। हनुमान जी ने बताया कि सूर्प नखा के नाक और कान कटे क्यों। भगवान श्री राम अपनी कुटिया में बैठे थे आराम से, सीता मैया बगल में बैठी थी आराम से, लक्ष्मण जी बैठे थे आराम से, ये सूर्प नखा गई और बोली श्री राम क्या मुझसे शादी करोगे। शादी के नाम खुश हो जाते हैं, हमें लग रहा कली परसों शादी हो जानी चाहिए। नहीं शादी के नाम से कुछ नहीं है कमल भैया, ये सलमान खान के नाम से कुछ हो जाते हैं। ये बात सही है कि सूर्प नखा ने कहा था भगवान श्री राम से कि मुझसे विवाह कीजिए, भगवान श्री राम ने मना कर दिया। तो क्या हुआ, वो सीता मैया को मारने चली, किसी को मार देंगे तब तो शादी करेंगे, मगर लक्ष्मण जी आ गए और लक्ष्मण ने उसके नाक और कान। तो हनुमान जी ने बताया रावण कि तूने सिया चुराई और तुझे लाज शरम नहीं आई। और जैसे नकटी बहन है और ऐसी बहन का तू है। तो हनुमान जी ने बताया इसने शादी की जिद कर ली, सूर्प नखा ने इसने शादी की जिद कर ली, लखन ने इसकी ना कतर ली। कतर ली मतलब, हाँ जी बताया हनुमान जी ने रावण से कि सूर्पनखा ने
इसने शादी की जिद कर ली, लखन ने इसकी ना कतर ली। और प्रभु ना करते इनकार, प्रभु श्री राम, ओ प्रभु ना करते इनकार तो होते आज वो रिश्ते। हनुमान जी ने बताया कि प्रभु ना करते इनकार तो होते आज वो रिश्तेदार। अगर मान लीजिए शादी हो जाती, मान लीजिए भगवान श्री राम ने शादी कर ली होती सूर्पनखा से, तो रावण, अरे रावण, अरे तू होता रामचंद्र का, क्या बात है, तो मैं हूँ जी का लाला, मुझे पवन देव ने पाला, मैं हूँ मां जी का लाला, मुझे पवन देव ने पाला, अब तू मुझको ले पहचान, ओ मेरा नाम है हनुमान, और मैं श्री राम कहूँ मत बाला, मैं श्री राम कहूँ मत बाला। एक बार मैं चाहूंगा कि जो मेरे साथी कलाकार हैं इनके लिए थोड़ी सी ताली बजा दीजिए ईमानदारी से। क्यों कि गाने वाला आता है सिर्फ एक घंटे गाता है, चला जाता है, सो जाता है, आराम कर लेता है, मगर ये जो बजाते हैं सारी रात इनके लिए ताली बजाइए। जी हाँ, अगर ये साज नहीं होते तो आवाज उठा के अपने अपने हाथ से बोलो वीर बजरंगबली की। अब एक बात हनुमान जी ने और कही रावण से, सुनिए। हनुमान जी बोले, रावण, अरे सीता को लौटा दे, क्षमा कर देंगे रघुराय। क्या बात है, हनुमान जी बोले कि सीता को लौटा दे, क्षमा कर देंगे रघुराय। और मैंने इतना समझाया और तुझे बात समझ नहीं। हनुमान जी कहने लगे कि सीता को लौटा दे तो क्षमा कर देंगे रघुराई, और मैंने इतना समझाया और तुझे बात समझ नहीं। अरे रावण, तू खुद मारा जाएगा, तेरा कुल भी मिट जाएगा। ताली बजनी चाहिए भैया, क्या बात। हनुमान जी रावण से बोले, तू खुद मिट जा, तू खुद मारा जाएगा, तेरा कुल भी मिट जाएगा, तू खुद मारा जाएगा, तेरा कुल भी मिट जाएगा। और तुझे फूकेगा, फूकेगा मतलब जलाएगा। आने वाले युग में, कलयुग में हनुमान जी ने कह दिया, और तुझे फूकेगा, तुझे जलाएगा सब संसार। आने वाले युग में रावण कोई भी अपने बेटे का नाम रावण नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि रावण तेरे कर्म इतने खराब है, और आने वाले युग में अरे तेरा हो जाएगा। आए हाय, जोर से ताली बजा दे भाई, बच्चों के लिए बहुत अच्छे बच्चे हैं, अच्छा परिवार है, आगे अपने अपने हाथ हाथ सब मिलके, तो मैं हूँ मां जिनी का लाला, और मुझे पवन देव ने पाला, मैं हूँ मां जिनी का लाला, मुझे पवन देव ने पाला, अब तू मुझको ले पहचान, तो मेरा नाम है हनुमान, और मैं श्री राम कहूँ मत बाला, मैं श्री राम कहूँ मत बाला, मैं श्री राम।